जबलपुर कृषि उपज मंडी में किसानों को मटर की फसल के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। बता दें कि जबलपुर से पूरे भारत में मटर जाता है, लेकिन मंडी में यह 8 से 15 रुपए में खरीदा जा रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें 6 रुपए प्रति किलो मटर तुड़वाने में लग जाता है, ऐसे में 10 से 12 रुपए में मटर खरीदती है और तो उन्हें काफी तकलीफ होती है। बड़ा साधन होता है उसका अनाज, जब उसकी कीमत नहीं मिलती तो किसान खून के आंसू रोता है। ये हालात जो है हम जबलपुर की मंडी में देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जबलपुर का अगर मटर की बात करें तो मटर पूरे हिंदुस्तान में जाता है, लेकिन यहाँ का किसान रोता हुआ दिखाई दे रहा है। मटर के दाम नहीं मिल पा रहे, हालात ये हैं कि वो तुड़ाई जो है वो नहीं करवा पा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं मंडी में, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के हालात हैं, क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं बिक पा रहा है मटर इस समय। भैया क्या है, फल्ली कड़ी भी हो गई, लेबर मजदूर नहीं मिले यहाँ चुनाव के कारण, इसलिए और खर्ची भी बहुत ज्यादा आ रहा है लेबर मजदूरी में। कितना खर्च आ रहा है? कम से कम 7 से 8 रुपए लेबर मजदूरी का खर्च आता है, बोरा बारदाने का, लाने ले जाने का तो और भी खर्च है। क्या रेट चल रहा है वर्तमान में? अभी 8 रुपए से 15 रुपए का मटर, 18 रुपए, 20 रुपए, अच्छा मटर 25 रुपए तक चल रहा है, और सबसे बड़ा तो 10 रुपए खर्चा है यहाँ तक का लाने का, ले जाने मतलब लाने का हो जाता है। 6 रुपए तो तुड़वाई लगती सबसे पहले, और टाइम से लेबर नहीं मिल रही, और सही रेट नहीं मिल रहा मटर का, जो किसान को मिलना चाहिए ना वो सही रेट नहीं मिल रहा। ट्रैफिक सबसे बड़ी बात, तो यहाँ अगर 3 बजे कोई आ जाता ना तो 1.5 घंटे तो उसको ट्रैफिक में लगते हैं, और आते आते उसका मटर का रेट समझो कुछ नहीं मिलता, 15 रुपए 10 रुपए में मटर जाता है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, 25 रुपए 30 रुपए मिनिमम किसान को रेट फिक्स करना। देख सकते हैं कि किसान जो हैं वो राहत चाहते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जो है, क्योंकि दीपावली भी थी और चुनाव भी थे, दोनों एक साथ पड़ने से लेबर नहीं मिली, और लेबर नहीं मिलने से अगर एक दिन भी मटर जो है वो खेत में रहा आता है, तुड़ाई नहीं होती उसकी, तो उसकी फल्ली जो है वो कड़ी होने लगती है और सूखने लगता है मटर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो यही है कि इस बार जो है वो रेट फिक्स करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7।